नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रन मैराथन में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कोल इंडिया मैराथन, और ये इवेंट होने वाला है 26 मार्च 2023 को। और इस इवेंट का जो वेन्यू है वो है बिरसा मुंडा स्टेडियम, मोराबादी, रांची, और रांची पड़ता है झारखंड में। तो फ्रेंड्स, और भी डिटेल्स देख लेते हैं इस इवेंट का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सारे डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं प्राइज मनी। यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये प्राइज मनी का ये टेबल है, और यहाँ पे देख पा रहे हैं तीन कैटेगरी है, फुल मैराथन, हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर। ये तीनों रेस कैटेगरी में प्राइज मनी दिया गया है, और यहाँ पे जेंडर में मीन और वुमेन दोनों को भी प्राइज मनी दिया जाएगा। एंड जो भी टॉप 7 तक के जो फर्स्ट फिनिशर होंगे उन्हें प्राइज मनी दिया जाएगा, मीन और वुमेन दोनों को। तो फ्रेंड्स, इसमें जो देख पा रहे हैं फर्स्ट प्राइज मनी है फुल मैराथन में वो है 3 लाख रुपीज़, सेकेंड है 2 लाख रुपीज़, और थर्ड है 1 लाख रुपीज़, फोर्थ है 60,000 रुपये, फिर है 40, 30 और 20। इस तरह से टॉप 7 तक को प्राइज मनी दिया जाएगा, मेल और फीमेल में अलग अलग। इसी तरह देख पा रहे हैं हाफ मैराथन में भी देख पा रहे हैं, पहला फर्स्ट विनर जो प्राइज है वो 2 लाख रुपये है, सेकंड में 1 लाख रुपीज़। इस तरह से यहाँ पे देख पा रहे हैं सिक्वेंस दिया गया है। और 10 किलोमीटर में जो फर्स्ट प्राइज मनी है वो है 1 लाख रुपीज़, एंड सेकेंड है 70,000, और थर्ड है 50,000। इस तरह से यहाँ पे देख पा रहे हैं प्राइज मनी दिया गया है। तो फ्रेंड्स, नीचे यहाँ पे देख पा रहे हैं टर्म्स एंड कंडीशन। यहाँ पे प्राइज मनी का जो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है, ओनली ऑन ग्राउंड इवेंट पार्टिसिपेंट, जो भी ग्राउंड पे ही पार्टिसिपेट करेंगे उन्हीं को प्राइज मनी दिया जाएगा, जो वर्चुअली पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें प्राइज मनी नहीं दिया जाएगा। और प्राइज मनी सब्जेक्टेड टू चेंज, ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजर्स पे, जो प्राइज मनी भी है ये चेंज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। ऑल प्राइज एप्लीकेबल फॉर इंडियन सिटीजन्स के लिए, सिर्फ इंडियन के लिए ही ये प्राइज मनी यहाँ पे दिया गया है। एंड यहाँ पे देख पा रहे हैं सारे चीज़ यहाँ पे दिया गया है इस प्राइज मनी से रिलेटेड, यहाँ टर्म एंड कंडीशन आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख पा रहे हैं मिनिमम एज ऑफ पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट्स का मिनिमम एज कितना होना चाहिए। तो पार्टिसिपेंट्स का एज 18 ईयर्स होना चाहिए या उससे एबव होना चाहिए, सिर्फ तीन रेस कैटेगरी के लिए, फुल मैराथन, हाफ मैराथन और 10 किलोमीटर। 5 किलोमीटर में कोई भी एज ग्रुप या एज कैटेगरी के पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें कोई भी एज रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। एंड नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन फ़ी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख पा रहे हैं रजिस्ट्रेशन फ़ी दिया गया है, फुल मैराथन के लिए 1,000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ी है, और हाफ मैराथन के लिए 750 रुपीज़, और 10 किलोमीटर के लिए 300 रुपीज़, और 5 किलोमीटर के लिए 100 रुपीज़। चारों रेस कैटेगरी का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ी दिया गया है। आप रजिस्ट्रेशन फ़ी काफ़ी कम है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे देख पा रहे हैं इसमें जो आपको पेमेंट करना है आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, और एक बार अगर आप रजिस्ट्रेशन कन्फर्म हो जाता है तो ये इसका जो फ़ी है वो नॉन रिफंडेबल होगा। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे देख पा रहे हैं नीचे पेमेंट्स मोड क्या है, तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन पे करना है, आप कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग थ्रू भी कर सकते हैं, गूगल पे, पेटीएम या भीम यूपीआई के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट फ्रेंड, यहाँ पे देख पा रहे हैं व्हाट डज द रजिस्ट्रेशन फी कवर, आप जो रजिस्ट्रेशन फी पे करेंगे उसमें आपको क्या क्या फैसिलिटी और क्या क्या सामान दिए जाएंगे, तो यहाँ पे सारे डिटेल्स दिए गए हैं इसमें। फ्रेंड्स, पहला है ऑफिशियल ड्रेस बीब अलॉन्ग विद द RFID चिप, आपको एक ऑफिशियल बीब दिया जाएगा। उसके बाद आपको ऑफिशियल टी शर्ट, गुडी बैग दिया जाएगा, वाटर एंड एनर्जी ड्रिंक अलॉन्ग विद द कोर्स आपको दिया जाएगा, मेडिकल असिस्टेंस एंड लाइट रिप्लेसमेंट एंड फिनिशिंग पॉइंट पे आपको एनर्जी ड्रिंक और कुछ फ्रूट्स भी आपको दिए जाएंगे। एंड फुल मैराथन, हाफ मैराथन और 10 किलोमीटर में आपको टाइमिंग सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और जो 5 किलोमीटर जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उन्हें पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसमें आपको कोई भी टाइमिंग मेंशन नहीं रहेगा। एंड जो RFID चिप है ओनली फुल मैराथन के लिए दिया जाएगा, बाकी हाफ मैराथन और 10 किलोमीटर के लिए एक नॉर्मल चिप जिससे सिर्फ टाइमिंग रिकॉर्ड किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट है व्हाट इज़ द लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट ऑफ दिस इवेंट, इस इवेंट का लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है 24 मार्च 2023। तो फ्रेंड्स, आप काफ़ी कम दिन बचा है, आप जितना चाहे जल्दी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे फ्रेंड्स कट ऑफ टाइमिंग ऑफ ऑल कैटेगरी का कट ऑफ टाइमिंग क्या है, तो फुल मैराथन के लिए 6 घंटा 30 मिनट है, आपको 6 घंटा 30 मिनट के अंदर आपको रेस फिनिश करना है। हाफ मैराथन में 4 घंटा है, और 10 किलोमीटर में 2 घंटा है, और 5 किलोमीटर में 1 घंटा, इस टाइम में आपको रेस फिनिश करना है, नहीं तो आपको टाइमिंग सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे देख पा टाइमिंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, टू इंश्योर दैट द टाइमिंग इज रिकॉर्डेड द रनर्स मस्ट क्रॉस द ऑल द टाइमिंग मेट्स प्रोवाइडेड एट वेरियस लोकेशन, जब भी आप रनिंग करेंगे तभी आपको टाइमिंग मेट्स लगे हुए रहते हैं स्टार्टिंग फिनिशिंग और एक मिडिल पॉइंट पे, तो आपको उस मेट्स पे चढ़ के ही क्रॉस करके जाना है, नहीं तो आपका टाइमिंग रिकॉर्ड नहीं होगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सेकंड है टाइमिंग सर्टिफिकेट विल बी प्रोवाइडेड फॉर रनर्स हु हैव कंप्लीटेड फुल मैराथन, हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर विद इन द कट ऑफ टाइमिंग, जब आप जो भी यहाँ पे देख पा रहे हैं कट ऑफ टाइमिंग दिया गया है उस कट ऑफ टाइमिंग के अंदर आपको ये रेस फिनिश करना है। अगर आप कट ऑफ टाइमिंग से अधिक टाइम पे आते हैं तो आपको टाइमिंग सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट, 5 किलोमीटर रन इज नॉट ए टाइम्ड रन, विल बी प्रोवाइडेड विद ए पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, आपको 5 किलोमीटर में टाइमिंग इवेंट नहीं है इसलिए इसमें आपको टाइमिंग सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, सिर्फ आप एक बार पार्टिसिपेट किए हैं इसलिए पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। और ये इवेंट का जो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है वो है बिरसा मुंडा स्टेडियम, मोराबादी, रांची। तो फ्रेंड्स, अब आपको लेकर चलते हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर और दिखाते हैं आपको किस तरह से इस इवेंट के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है।
तो फ्रेंड्स आपको सिंपली आना है गूगल पे और आपको सर्च करना है कोल इंडिया मैराथन 2023। जैसे आप सर्च करेंगे तो ये फ्रेंड्स ये कोल इंडिया मैराथन का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स जैसे क्लिक करेंगे ये देख पा रहे ये वेबसाइट खुल जाएगा और यहाँ पे सामने आपको एक पेज दिख रहा होगा, आपको इस पेज को फिलअप करना है। और इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस फॉर्म को फिलअप कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपको फॉर्म फिलअप करने के बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड डालना है, वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स जैसे रजिस्टर करेंगे उसके बाद ये पेज आएगा, आप इसमें रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड फोन नंबर और यहाँ पे पासवर्ड और यहाँ वेरिफिकेशन कोड डाल के लॉगिन करना है। तो फ्रेंड्स जैसे लॉगिन करेंगे उसके बाद ये पेज खुल के आएगा और आपको ये पेज पूरा फिलअप करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये एथलेटिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है फॉर कोल इंडिया मैराथन, और इसमें आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे ब्लड ग्रुप, फिर यहाँ पे जेंडर, उसके बाद यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, उसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डालना है, किस स्टेट से आते हैं, सिटी क्या है, पोस्टल कोड क्या है, उसके बाद आपको अटैच फोटो आईडी आप इसमें डाल सकते हैं, और उसके बाद अटैच सेल्फ फोटोग्राफ आपको यहाँ पे इसमें आपको यहाँ पे एक आईडी डालना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है, उसके बाद आपको एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है, उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नेम डालें यहाँ पे, उसका फ़ोन नंबर डालें, यहाँ क्या रिलेशन है उससे, पेरेंट्स हैं या कोई ब्रदर है, फ्रेंड्स हैं क्या है, उसे आपको यहाँ पर डालें, उसका एड्रेस डालना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे देख पा रहे हैं सेलेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, आप किस इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बेस्ट टाइमिंग इन लास्ट टू इवेंट्स, उसके बाद आप अगर दो लास्ट इवेंट पार्टिसिपेट किए हैं तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टी शर्ट साइज आपको डालना है। उसके बाद आप सफरिंग फ्रॉम एनी मेडिकल कंडीशन, अगर आपको किसी भी मेडिकल कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ना तो उसको नो पे क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पर अगर है तो आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पे यस करना है कन्फर्मेशन, उसके बाद एंटर वेरिफिकेशन कोड, यहाँ पे देख पा रहे वेरिफिकेशन कोड आपको इस पर एंटर करना है। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे देख पा रजिस्टर, रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे उसके बाद फिर आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट कर देना है। इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इस इवेंट के लिए। इसके रिगार्डिंग और भी कोई क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर लॉगआउट का ऑप्शन भी दिया गया है ऊपर में, यहाँ पर देख पा रहे हैं लॉगआउट का ऑप्शन है, आप यहाँ से लॉगआउट करके अगेन लॉग इन कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है हमेशा, हमेशा आपको पासवर्ड याद रखना है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कॉन्टैक्ट पर्सन में यहाँ पे सारा चीज़ जो भी ऑर्गेनाइजर है उसका ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर और उनका ऑर्गेनाइजर का नाम आ रहा है, आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर ऑल, जय हिंद।